हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ वर्चुअल स्पेस। आज हम लोग बात करेंगे BDS और BAMS में हमें क्या चूज करना चाहिए। दिस इज कुणाल, अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट इन IIMS BHU। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, थोड़ा सा मैं अपने एकेडमिक्स बैकग्राउंड के बारे में बता दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मैं रिलायबल लगूंगा, बिकॉज दिस इज रियली अ बिग डिस्कशन आपके लाइफ के लिए, आपके कैरियर के लिए। सो मैंने अपनी स्कूलिंग सैनिक स्कूल तिलिया से करी थी, उसके बाद एक साल ड्रॉप लिया था, आकाश में अपनी प्रिपरेशन करी, उसके बाद फिर मैं एक साल फर्स्ट टाइम मेरे 1700 समथिंग रैंक थे, अच्छे से याद नहीं है, मैं एक वीडियो बनाया था उसमें मैं ढूंढ के लिखा था। उसके बाद मैं सेकेंड ईयर सेकेंड बार में लाइक एक साल ड्रॉप के बाद मेरी ऑल इंडिया रैंक 162 थी। उसके बाद मैं यहाँ पे लैंड कर गया, जो कि मुझे यहाँ पे आना नहीं था, बट दैट इज़ वेरी डिफरेंट। सो मुझे दिल्ली जाना था बट मैं यहाँ पे आ गया। और उसके बाद दिस इज़ इट, लाइक दिस इज़ इट, माय सैनिक स्कूल से यहाँ पे दिल्ली, फिर उसके बाद यहाँ पे आया। और आई नो आप लोग जो भी इस कन्फ्यूजन में होंगे कि मुझे BDS लेना चाहिए या BAMS लेना चाहिए, तो आपको लग रहा होगा यार मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूँ बिकॉज मुझे लाइक एक अच्छी रैंक आ गई थी और लाइक मैं MBBS IIMS BHU से कर रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी यार, लाइक ये एक पैरामीटर नहीं है, ये एक खुश होने का एक वो सर्टिफिकेट नहीं है, बिकॉज मुझे भी बहुत सारी इशूज बहुत बार आती होती हैं। मुझे भी लगता है कि दिस लाइफ इज हेल, लाइक मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मैं क्या ही अचीव कर लिया, कुछ भी अच्छा नहीं लगता होता है बहुत बार। तो ओके, लाइक मैं आपको डिप्रेस या बोर करने के लिए यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट नहीं किया था, जस्ट मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक बिल्डअप करूँ, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होने वाला है जो मैं शायद आपके बिहाफ पे लेने जा रहा हूँ, जो कि सही नहीं है। मैं कोशिश करूँगा नहीं लेने का, बट आई विल ट्राई टू पुट माई ओपिनियन ताकि आप उस बेसिस पे अच्छे से डिसीजन ले पाए, ठीक है। तो पहले तो बोलूँगा यार कि जो मुझे कुछ गाली देने का मन कर रहा है, बट जो लोग आपको इस बेसिस पे जज करते हैं ना कि आप MBBS डॉक्टर हो या BDS हो या BAMS हो, देन यार पता है उनकी ना अंडरस्टैंडिंग ना लाइफ को लेकर के उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है ताकि वो एक हर एक लोगों की इंपॉर्टेंस को समझ पाए। बिकॉज यार एक सिस्टम में लाइक एक नर्स का अपना अलग रोल होता है, एक स्वीपर का अलग रोल होता है, एक सर्जन का, एक कंसल्टेंट का, एक बहुत बड़े जो लाइक जो MS होते हैं लाइक उनका अपना अलग रोल होता है। तो बट इसके बेसिस पे आपको कोई रिस्पेक्ट करेगा यार, मुझे लगता है कि दैट इज़ नॉट इवन लॉन्ग लास्टिंग। जब तक आपका वो पोस्ट है तभी तक लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बट आपको इंडिविजुअली जो लोग रिस्पेक्ट जिस लेवल से रिस्पेक्ट करते हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ओके, हम लोग पहले अब इस पे आते हैं, फिर ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो आप देखना अच्छे से, लास्ट तक देखना। तो पहले MBBS ले या BDS ले, तो यार ये एक जनरल कन्वेंशन है कि जिनको थोड़ा अच्छा रैंक आता है वो BDS पकड़ लेते हैं, जिनको उससे थोड़ा सा खराब आता है वो BAMS पकड़ लेते हैं। बहुत लोग ऐसा ट्रेड ऑफ करते हैं, जैसे कि अगर BDS कोई खराब से जगह से मिल रहा है रैंक वाइज, मैं फिर इस पे भी आऊँगा कि खराब जगह अच्छा जगह कुछ नहीं होता है ना, लाइक आप कहीं से भी बेटर कर सकते हो अगर आप में वो है। ऑफ कोर्स यार थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लगेगा है ना, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई अगर बहुत अच्छे जगह से एम्स दिल्ली से कर रहा है तो उसका लाइफ सेट ही है, ऐसा भी नहीं होता यार। लाइक अच्छा वो होता है, बट ऐसा नहीं कि सब कुछ रोजी होता है, ठीक है। तो क्योंकि अगर मैं IIMS से कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा मेरे से थोड़ा सा नीचे वाला रैंक ला करके अगर मतलब बिहार के कोई कॉलेज से कर रहा होगा, ठीक है, समझ लो कि श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज से कर रहा होगा, तो ऐसा नहीं है कि हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो बंदा मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा तो वो भी बेटर हो जाएगा। तो हाँ, तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कि मतलब BDS BAMS में क्या उठाएं, तो लोग हाँ इसी तरह से ट्रेड ऑफ करके मतलब उठा लेते हैं कि अगर BDS थोड़े से अगर लो कॉलेज पे मिल रहा है और BAMS अच्छे कॉलेज पे मिल रहा है तो ले लेते होते हैं, ठीक है। दैट इज़ वेरी, आई मीन दैट इज़ वेरी लाइक यू नो जो मार्केट में चल रहा है, अगर इसको हम ऐसे ट्रीट करें तो जो मार्केट में जिस तरह से जो कन्वेंशंस चल रहे हैं वो है। बट मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप ना एक बार अगर आप पॉसिबल हो, क्योंकि अब तो काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होने वाली है, या फिर आप फ्यूचर में भी जब भी आप ये वीडियो देखें और काउंसलिंग के टाइम अगर एक साल बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं शूट करने के, तो यार आप ना एक BDS डॉक्टर के पास जाओ जो BDS करके अपना कोई भी ब्रांच में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास जाओ, दो तीन लोगों के पास, उनकी लाइफस्टाइल देखो। कुछ BAMS के डॉक्टर के पास जाओ आयुर्वेदा के और उनकी लाइफस्टाइल देखो, फिर उनसे थोड़ा बात करो। नॉट लाइक कि आप एक पेशेंट की तरह आप जाके एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और उनसे बात करना कि लाइक उनकी लाइफ किस तरह से है, क्या आप उस टाइप की लाइफस्टाइल को इमेजिन करते हो खुद के लिए,
अगर हाँ तो ये बहुत ही इजी तरीका है चूज करने का। अदरवाइज यार देखो, आप इस तरह से भी सोच सकते हो दूसरा तरीका कि आप जैसे अभी मैं MBBS करूंगा और उसके बाद मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच जैसे कि मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, उसमें भी बहुत सारे अंदर जाके डिविजन्स हैं, ठीक है, या फिर आप ऑप्था, ENT, ठीक है, डर्मा, रेडियो, आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच को पिक किए और उसको लेके फिर फ्यूचर में आप उसमें और अच्छा करने की कोशिश करोगे, तो उसी तरह से BDS भी है ना। आपने लाइक इस वाले पूरे एरिया को आपने पिक करा है, ठीक है, और उसको मतलब तिथ के अराउंड और उसमें जाके आप बेटर करोगे, ठीक है, तो दिस इज इट। अगर BMS में एक लाइक आयुर्वेदा का जो अभी, अब मैं BMS में आता हूँ, तो आयुर्वेदा का अभी ना गवर्नमेंट के थ्रू एक बहुत अच्छा पुश मिला हुआ है उस डिपार्टमेंट को। अब तो बहुत बार मतलब कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसमें भी इसको कवर किया जा रहा है, ठीक है, तो इसका फ्यूचर तो अच्छा है, ठीक है। थोड़ी अभी ना मतलब ये धीरे धीरे लाइट में आ रही है और लोगों को ना विश्वास भी आ रहा है, बिकॉज देखो यार, आपको जिस भी मेडिसिन में लाइक जिस भी लाइन में, जिस भी लाइन ऑफ मेडिसिन में आपको किसी भी नियर एंड डियर वन का ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद आपको उस पर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है और आप चाहते हो उस पर जाना, तो धीरे धीरे करके ये मार्केट में आ रहा है, अच्छे हो रहे हैं मतलब BMS का कॉलेज वगैरह, और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस, लोग ऐसा बोलते होते हैं कि प्लांट बेस्ड ट्रीटमेंट होता है तो उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होते वगैरह वगैरह, दिस इज़ अगेन अ टॉपिक ऑफ डिबेट एंड ऑल, बट ऐसा है। और लाइक आप ना उसमें भी मतलब जैसे अभी BDS में आपने कोई एक जगह पे आप कमिट कर गए कि आपको इसी फील्ड में रिस्ट्रिक्ट रहना है, बट वहाँ पे है कि आप फिर वहाँ पे पढ़ाई करके ना चीज़ों को आप वो कर सकते हैं, लाइक फिर आप वहाँ पे जाकर के अपने ब्रांच को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पे आप चूज कर सकते हैं, तो आपके पास वो एक फ्रीडम है लाइक अगर आप BMS ले रहे हो तो, ठीक है। तो ये BMS और BDS का हो गया, और यार आप ये सारा चीज़ ओके फर्स्ट पेज पे आपने तो दिया होगा कि मैं MBBS उठाऊंगा, बहुत कम लोग होंगे जो क्लियर होंगे पहले से कि मुझे BDS लेना है या फिर BMS लेना है, या तो उनके पास ऑलरेडी एक हॉस्पिटल होगा घर पे जो कि मतलब उनको अब उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में, तो वो बहुत ही क्लियर रहेंगे कि हाँ मुझे ये लेना है। अगर नहीं तो आपको क्या लगता है कि लोग MBBS क्यों लेते हैं? पहला प्रेस्टीज के लिए कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, That doesn't matter, fuck it, like आप फेडअप हो जाओगे, मतलब जिस तरह से वो वैल्यू, जिस कारण से वो वैल्यू करते हैं ना आपका, आप फेडअप हो जाओगे, ट्रस्ट मी। लाइक आप अभी ये वीडियो इसलिए देख रहे हो ताकि आप शायद MBBS में नहीं आए हो, राइट, इसलिए आपने ये वीडियो चूज करा होगा देखना कि BDS लूँ या BMS लूँ, तो ट्रस्ट मी लाइक आप फेडअप हो जाओगे इस टाइप के रिस्पेक्ट से। और जो लोग बोलते हैं ना भगवान भगवान, यार अननेसेसरी डॉक्टर्स में प्रेशर क्रिएट करते होते हैं यार, कोई भगवान नहीं है। लाइक यार हम लोग इतना दिन पढ़ते हैं, लाइक 5 साल, फिर 8 साल, 10 साल, फिर इतना बड़ा एक लंबा सा प्रैक्टिस होता है, तो हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, अपने ऑब्जर्वेशन के एक्यूमन के बेसिस पे हम ना पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, और बहुत बार हम गलती कर सकते हैं, तो एक बार तो आप ना आसमान पे चढ़ा देते हो कि भगवान भगवान, और ऊपर से लात मार करके आप फिर से नीचे एकदम कर देते हो, थप्पड़ लगा देना, आप देखते होगे बहुत सारा जो वायलेंस होता है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, तो भगवान कुछ नहीं है। लाइक जिस तरह से एक इंजीनियर अपने स्किल से एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं, कोई चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, उस तरह से यहाँ डॉक्टर अपने स्किल से लोगों को ट्रीट करते हैं, तो पहली बात भगवान बनाना बंद करो, ठीक है। और रिस्पेक्ट हो गया, पैसे तो यार पैसे हर जगह हैं आपके लाइक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, BDS में भी पैसा है। अगर आपको लाइक गवर्नमेंट में ही रहना है, लाइक अगर आपको प्रोफेसर बनना है या फिर एकेडमिया में ज्वाइन करना है, लाइक फ्यूचर में जाके आपको एकेडमिया फील्ड में ही रहना है, लाइक एकेडमिक्स ही पढ़ाना है, तो लाइक पैसा तो अच्छा खासा है, ठीक है, आपकी जनरल लाइफ चल जाएंगी, लेकिन अगर आपको अपना कुछ करना होगा तो यार किसी भी फील्ड में, इवन आप एक अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो गए और आपको अपना कुछ स्टार्टअप करना होगा तो उसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, जिस तरह से डॉक्टर्स को जो कि अपना क्लिनिक खोलना चाहेंगे तो उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको जमाने में, अगर ऑलरेडी आपके पेरेंट्स होंगे डॉक्टर या फिर ऑलरेडी आपका कोई हॉस्पिटल वगैरह होगा तो उसमें आपको उतना इशू नहीं आएगा, बट इशू तो सब जगह आएगा। तो प्रेस्टीज हो गया, पैसा हो गया, एक सेटिस्फैक्शन हो गया, तो यार मुझे लगता है कि अभी इस स्टेज में हम लोग जब फाइट कर रहे हैं नीट के लिए, तो हमें बहुत बड़ा लगता है MBBS, BDS, BMS, नर्सिंग वगैरह, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि डाउन द लाइन जाके ना लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, जो नहीं होते हैं वो लगे रहते हैं, ठीक है, तो मतलब उतना ज़्यादा आपको ना लॉन्ग टर्म में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। आप
आप अगर पैसे को लेकर के सोच रहे हो तो यार आप ना मतलब फाइनेंशियली लिटरेट होने का कोशिश करो, पैसे के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, ना कि आप BDS और MBBS और BMS के बारे में लड़ाई कर रहे हो। कोई भी एक जगह पकड़ लो, उसमें आप बेस्ट बनने का कोशिश करो, या फिर अगर आप अच्छे अगर आप अपना सर्विस डिलीवर कर रहे हो आपको पैसे मिलेंगे, उन पैसे को कैसे मैनेज करना है वो सीखो, आपका फाइनेंशियल पार्ट क्लियर हो जाएगा। प्रेस्टीज, गधे लोगों से प्रेस्टीज का उम्मीद भी मत रखो, ये वही गधे लोग हैं जो आज आपको भगवान बोलते हैं कल आपको आगे लात मारते हैं, तो वो वाला प्रेस्टीज का चक्कर हटा दो, आपको देखो आपको क्या चाहिए, ठीक है। और अगर सही में आपको MBBS चाहिए और आपको BDS और BMS लेना पड़ रहा है बट पढ़ाई भी करना है तो देख लो या ट्राई करते रहो, बट आई गेस कि इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग। आप यहाँ पे आके फिर या फिर 10 साल बाद जाके शायद पछताओगे ही, मतलब पता नहीं, मैं भी अभी 10 साल तो क्रॉस नहीं किया बट मुझे जैसा लगता है कि कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है यार, बस एक ना एरोगेंस जो अंदर आ जाता है ना कि मैं तो MBBS वाला हूँ, तुम BDS वाले हो, तुम BMS वाले हो, तुम नर्सिंग वाले हो, तो ये सारा दिमाग में जो गॉड कॉम्प्लेक्स है और लाइक जो मतलब इमेच्योर जो एरोगेंट पीपल होते हैं उनके अंदर भरा होता है, बट अदरवाइज सारे लोग मोस्ट ऑफ द लोग मतलब यू नो डाउन टू अर्थ ही होते हैं और लाइक सारे लोग कंफर्टेबल ही होते हैं अपने स्किन में, लाइक कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स डेवलप करके नहीं घूमता होता है। ऑफकोर्स अगर आपको MBBS नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा कि मैं अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया यार, इट्स सेम लाइक यू नो समवन लाइक योर फर्स्ट क्रश, योर फर्स्ट लव, जो कि अच्छे से चल नहीं पाया, आपने उसको अच्छे से लाइक आप दोनों कंफर्टेबल फील नहीं कर पाए, आप लाइक जो पहला पहला प्यार होता है ना उस टाइप का, या फिर पहली क्रश होती हैं जो कि आपको नहीं मिल पाती हैं, तो आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, तो आई विल सजेस्ट कि यार ये वैसा ही है, आप अपने आप को समझा लो कि मूव ऑन करना है, और दोनों में से कोई और जो भी चूज करना है मैं आपको बता दिया कि या तो आप डॉक्टर के पास जाकर के मिल के बात कर लो कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, इनका लाइफस्टाइल क्या है, और उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, या फिर आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपना ना व्लॉगिंग बनाते होते हैं, BDS डॉक्टर, BMS डॉक्टर, ठीक है, मैंने लाइक देखा है ये वीडियो बनाने से पहले, तो लाइक अब मैं क्या किसका वीडियो सजेस्ट करूँ आई डोंट नो, बट आप लोग इस इंटरनेट एरा के लोग हो तो हम लोग इस इंटरनेट एरा के लोग हैं, तो आप जा करके इंटरनेट पे देख सकते हो कि लाइक उनका लाइफस्टाइल क्या है, वाकई में आपको वैसी लाइफस्टाइल चाहिए या नहीं चाहिए, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले लेना, क्योंकि यार ये बहुत मुश्किल है। मैं बताऊं कि अगर आपको रैंक मिल रहा है, BDS मिल रहा है, तो BDS उठा लो और नहीं तो BMS है, ठीक है, ये सोचना, ये लाइन ऑफ थॉट बहुत गलत है, क्योंकि और अगर आप किसी दूसरे बंदे से पूछोगे ना तो वो ऐसा ही बोलेगा, बेटा BDS मिल रहा है ले ले, BDS नहीं मिल रहा अच्छा तब तो तेरे को BMS ही उठाना पड़ेगा। भाई वो चूतिए लोग को अपना मेहनत भी नहीं करना होता, बस उनको अपना एक डिसीजन दे देना होता है कि हाँ आप ये कर लो, ठीक है, हो गया खत्म। भाई आप मर रहे हो, आप अपना साल और साल बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, तो ग्रो अप एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको क्या करना है, राइट। कोई दूसरा बंदा आपके बिहाफ पे डिसीजन नहीं लेगा कि आपको क्या करना है, बट हाँ आपने बहुत अच्छा करा कि आप ये डिसीजन लिए कि पता तो करें मुझे BDS लेना है या BMS लेना है, राइट। पता नहीं मतलब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो में मैं क्या बोल रहा हूँ, बट होप आई एम एबल टू यू नो आई मीन एबल टू लाइक गिव व्हाट आई फील लाइक अबाउट दिस, व्हाट आई फील लाइक बीइंग हियर, लाइक मैं फाइनल ईयर में हूँ और मैं क्या फील कर रहा हूँ MBBS के बारे में। यार ऑफकोर्स सारी साइंसेज मस्त हैं, लाइक अगर आप मेडिको नहीं भी हो, अगर आप कोई कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप तो नहीं हो ऑफकोर्स, बट अगर कोई कॉमर्स के भी आप स्टूडेंट होते, उसमें भी बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट्स हैं यार, उसमें भी लोग बहुत अच्छा करते होते हैं, राइट। तो आप इस बेसिस पे अपने आप को एटलीस्ट जज मत करना कि यार मैं MBBS डॉक्टर हूँ या BDS बनने वाला हूँ या फिर BMS बनने वाला हूँ, मेरा कैसा लाइक होगा। वही बोला ना, गधे लोगों से अगर आप रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तब तो आपको वो लोग उसी पैरामीटर पे जज करेंगे, ठीक है, बट अगर आपका अपना कुछ है, अपना कोई लाइफ का पैरामीटर है कि आप अपने लाइफ को किस तरह से जज करते हो, तो यार मेंटल हेल्थ को टॉप पे रखना, ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू, मुझे पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ, राइट। फिर फिजिकल हेल्थ, आप लाइफ में खुश रहना सीखो, ठीक है, BMS कर लो, BDS कर लो, MBBS कर लो, जो भी कर लो, डाउन द लाइन कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, मे बी आप
थोड़ा ज़्यादा पैसे बना लोगे, बट आप पैसे ऐसे भी बना सकते हो अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी लाइक गेन कर लिए, क्योंकि आप यार इंडिया के एक ऐसे लेवल पे हो ना, लाइक आप टॉप 5% में तो होने ही वाले हो, ठीक है? अगर आप BDS भी कर लो, BMS भी कर लो, MBBS भी कर लो, टॉप 5% में तो पक्का ही होने वाले हो, पक्का, ठीक है? तो आप बचा हुआ पैसा को कैसे मैनेज करना, उसके हिसाब से आपके पैसे नेटवर्थ बढ़ जाएंगे, अगर आपका यही इंडिकेटर है, आई मीन सक्सेस का, विच इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू मी. नेटवर्थ इज नॉट अ गुड इंडिकेटर टू जज समवन सक्सेस, बट बहुत लोग करते हैं बिकॉज दैट इज द न्यूमेरिकल थिंग जो कि इजिली एसेस हो सकता है. अदरवाइज देख लो यार कैसे करना है. अगर आपको बिलियंस अट्रैक्ट करते हैं तो, बट वो बिलियनियर का ना मोस्ट ऑफ द वेल्थ किसी स्टॉक्स में होता है, कैश में नहीं होता है ना. या तो वो डिविडेंड से जी रहे होते हैं, या फिर वो अपना कोई उनका छोटा सा पैसिव इनकम होता है उससे जी रहे होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि वो डेली एक एक बिलियन खर्चा करता है. अब वैसा होता है तो वैसे लोग मतलब पता नहीं, मुझे तो अच्छे नहीं लगते. और अच्छे नहीं लगते इन द सेंस कि यार उनका पैसा है, उनका डिसीजन है, बट अगर मेरे पास होंगे तो मैं तो वैसा नहीं करूँगा. मैं कोई अच्छे कॉज के लिए मतलब इन्वेस्ट करूँगा. सो दिस इज़ इट. पता नहीं मतलब मैं आपके कन्फ्यूजन को क्लियर कर पाया है या नहीं, बट एट द लास्ट लाइक आई विल से कि यही है यार, मतलब BDS लो या BMS लो, लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है. आपको किस टाइप का चाहिए, पहले ही आपको स्पेशलाइजेशन कोई एक ब्रांच से कमिटमेंट चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि MBBS नहीं मिला है तो आप थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहोगे और उसके बाद करोगे, क्योंकि थोड़ा बहुत हिंदी का आपको मिलेगा BMS में, बट ऐसा नहीं है कि आपको अगर हिंदी नहीं आती है तो आप BMS कर ही नहीं पाओगे. ये कन्फ्यूजन था मेरे अंदर जब मैं ये वीडियो के लिए प्रिपेयर कर रहा था. और मैं कुछ एक और ब्लॉग पहले भी एक मतलब जो द्रव्य गुण गार्डन का जो ब्लॉगिंग किया था उस पर लाइक अपने एक BMS के फ्रेंड से बात किया था, तो देवर लाइक कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको हिंदी नहीं आती, संस्कृत नहीं आती तो आप इसको गो थ्रू नहीं कर सकते, कर लेते हैं लोग, ठीक है? तो होप ये वीडियो मीनिंगफुल रहा. इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक, और अगर आपको लगा कि आई वॉज नॉट मेकिंग सेंस तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. That will be a learning for me too, कि मतलब मुझे कैसे ये चीज़ करना चाहिए, या फिर इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए. क्योंकि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो लाइक आई हैव एज्यूम्ड कि मेरी एक छोटी बहन या छोटा भाई मतलब स्क्रीन से मेरे से पूछ रहा है कि भाई मुझे बता दो कि क्या करना है, BDS लूँ या BMS लूँ. तो ये तो पहली बात तो कि मतलब उसके दिमाग में ये क्वेश्चन इसलिए आया बिकॉज सोसाइटल जो वो है ना कि IAS बहुत अच्छे होते हैं, IPS उससे खराब होते हैं, रेवेन्यू सर्विसेज वाले उससे थोड़े से खराब होते हैं, विच इज़ बुलसेट, राइट? सारे का अपना काम है यार, और हम सोसाइटी ने हवा बना रखा है MBBS का, फिर उसके बाद BDS का, फिर BMS का, और ये चलता रहेगा जब तक हम लोग चेंज नहीं करेंगे, राइट? बट ऐसे बहुत लोग हैं जो चेंज करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे रैंक ला करके मौलाना आजाद में डेंटल उठाते होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रैंक ला करके वेटनरी डॉक्टर को ऑप्ट करते होते हैं. मैंने उनका लाइक देखा था ये वीडियो जब मैं इसके लिए तैयारी कर रहा था, लाइक इस वीडियो के लिए. तो सो होप यार लाइक पता नहीं मतलब आर यू सैटिस्फाइड विद दिस डिस्कशन? इफ नॉट लाइक प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मुझे तो लग रहा है कि मैं और क्या क्या बता दूं. लाइक इतना कुछ मैं सोचा, इतना मतलब जब से मैं ये आप लोग पूछ रहे थे कि इस दोनों के बीच में कैसे क्या करना चाहिए, मैं लाइक लोगों से बात करता होता था. बीच में मैं बीमार हो गया तो थोड़ा टाइम लग गया, बट मैं लोगों से बात कर रहा होता था कि यार तू कैसे डिसीजन लिया, लाइक जो BDS में है, जो BMS में है. तो मैं बहुत लोगों से बात करने के बाद एक लाइक ओवरव्यू क्रिएट किया ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो. तो और आप किसी दूसरों को आप अपने लाइफ के सक्सेस या फेलियर का पैरामीटर मत देना दूसरे के हाथ में, वो गधा उसका समझ रहे हो ना वही करेगा, ठीक है? सो आप अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखते हुए जो मिल रहा है ले लो, और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास लाइफ में टाइम है ड्रॉप लेने के लिए तो ले लेना, फिर से तैयारी कर लेना अगर आपका फर्स्ट या सेकंड टाइम होगा. अगर नहीं है तो प्लीज़ यार कोई जगह ले लो. इट्स नॉट वर्थ यू नो फाइटिंग कि मतलब हाँ यही मिलेगा तो मेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा. कुछ भी अच्छा नहीं होता. लाइक फिर यहाँ पे आकर के आपको फिर से घसना होता है ना PG के लिए, फिर वहाँ पे घसना होता है, उसके बाद घसना होता है, ठीक है ना? पैसे के लिए तो ये बहुत घटिया जगह है. मेडिकल पैसे के लिए नहीं है. अगर पैसे चाहिए आप स्टॉक मार्केट में चले जाओ, बीटेक कर लो, या फिर कोई कॉमर्स करके कोई MBA वगैरह कर लो, उसमें पैसे हैं, ठीक है? और इतना नहीं घसना है जितना वहाँ पे, यहाँ पे घसना है, वहाँ पे नहीं घसना.
मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो होप अब इसको यहाँ पे रखते हैं, 20 मिनट हो गया हुआ है। सो बहुत लंबा वीडियो हो गया। सो अब बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये। मैं अभी इम्प्रूव करूँगा अगर मैंने कुछ गलती बोला होगा यहाँ पे, अगर किसी के बारे में किसी भी ब्रांच के बारे में मुझे अगर थोड़ी सी कम जानकारी होगी, ऑफकोर्स होगी, बहुत कम जानकारी है, बट जितना है उसके हिसाब से मैं बोलना चाहा तो एनलाइटन मी प्लीज़। और आई होप इट वॉज़ अ हेल्पफुल वीडियो। सो बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो के लिए, किसी और वीडियो में किसी और चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो जब आप इस चीज़ से गुजरोगे तभी पता चलेगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।